इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल आज रात तक इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, हरिन रावल ने ही अटॉर्नी जनरल पर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने का आरोप लगाया था और खबर यह है कि आज रात तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल इस्तीफा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद सवाल ये उठ रहा था कि पहला विकेट किसका गिर सकता है। खबर यह आ रही है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल इस्तीफा दे सकते हैं। प्रधानमंत्री से तो बात बाहर निकाल लीजिए भैया, कैमरे बाहर निकाल लीजिए। सुप्रीम कोर्ट आई गोइंग टू रिजाइन, सुप्रीम कोर्ट रूमर का दिया गया रिजाइन, क्या आप रिजाइन करेंगे क्या? आई यू गोइंग टू रिजाइन सर? आई यू गोइंग टू रिजाइन? इस्तीफे के सवाल पर कानून मंत्री चुप। इस्तीफे के सवाल पर कुछ नहीं कहा कानून मंत्री ने जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, लेकिन खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल इस्तीफा दे सकते हैं आज रात तक, मुमकिन है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अटॉर्नी जनरल गुलाम बानवती को और उसमें कई आरोप लगाए और ये भी कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि कोलगेट मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर जो अदालत में रुख रहा है, जिस पर अदालत ने तीखी टिप्पणी की है, क्या वजह है कि इसे सरकार को दिखाया गया, क्या वजह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को गुमराह किया,